नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। रांची में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरे आदिवासी। यूसीसी के विरोध में झारखंड के आदिवासी संगठन के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रांची, रामगढ़ समेत कई शहरों में इसका असर देखने को मिला। जाम के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियां का सामना करना पड़ा है। बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में सोमवार को रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। रांची के एक प्रमुख चौराहे करमटोली चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। इसके कारण शहर के बड़े इलाके में लगभग 2 घंटे तक आवागमन अस्त व्यस्त रहा। रामगढ़ में भी सैकड़ों लोगों ने रांची पटना रोड को घंटों जाम किया रखा। वहीं इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भारत बंद का भी आह्वान किया था। रांची में सैकड़ों आदिवासी स्त्री पुरुष बारिश के बावजूद सड़क पर उतरे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली। इस वजह से कई सड़कों पर जाम लग गया। खुट्टी में धराए पीएलएफआई के 5 उग्रवादी। झारखंड के खुट्टी में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को पकड़ा है। खुट्टी पुलिस को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान यह कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि मोरहू थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को खदेड़ कर पकड़ा। पुलिस ने इसके पास से भारी संख्या में हथियार भी जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पकड़े गए उग्रवादियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा, चंदा रसीद, स्मार्टफोन, बाइक और 10,000 रुपये भी नकद जब्त किए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई एरिया कमांडर टीरा बोदरा इलाके में आया हुआ है। 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए 8 अगस्त से आवेदन शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होने वाली 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए कल 8 अगस्त से आवेदन कर पाएंगे उम्मीदवार। ऑनलाइन jssc.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, 1 महीने तक आवेदन प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसके बाद 7 सितंबर को आवेदन समाप्त हो जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से होगी। वहीं कुल पदों में 12,868 पद सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 13,133 पद गैर पारा शिक्षकों के लिए है। परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये होगा और झारखंड के एससी व एसटी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क मात्र 50 रुपये देने होंगे। यह शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अमीषा पटेल चेक बाउंस केस में कोर्ट ने ठुकराई उनके वकील की मांग। अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े चेक बाउंस केस में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने प्रार्थी के गवाह का जीरा करने के लिए समय की मांग की है। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने समय मांगे जाने का विरोध किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा है कि गवाह 2 निर्धारित तारीख से आ रहा है, गवाह को डिस्चार्ज किया जाए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता का अनुरोध को स्वीकार करते हुए गवाह को डिस्चार्ज कर दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अगली निर्धारित तारीख को प्रार्थी की ओर से गवाह नंबर 2 को प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि पिछले तारीख में गवाह का प्रति परीक्षण करने पर अमीषा पटेल पर 500 रुपये का जुर्माना अदालत ने लगाया था। बता दें कि फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। सिमडेगा में जंगली हाथी ने लड़की को मार डाला। झारखंड के सिमडेगा से फिर इंसान और हाथी के बीच संघर्ष में जान माल के नुकसान की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक सिमडेगा में जंगली हाथी ने लड़की को कुचल कर मार डाला। मामला सिमडेगा के बांसजोर थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरा टुंगू गांव की है, जहां जंगल से भटके हाथी ने लड़की को कुचल दिया। हाथी के हमले में लड़की की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गांव वालों के जान माल की सुरक्षा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मृतक लड़की के परिजनों के लिए मुआवजा और अस्थायी सुरक्षा की मांग की है। झारखंड में 9 और 10 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम से लिहाज से राहत भरी एक और खबर सामने आई है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 9 और 10 अगस्त को राज्य भर में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि यूपी से सटे जिले में विक्षोभ का असर झारखंड के पलामू प्रमंडल अंतर्गत कई जिलों में होगा, जिससे बारिश होगी।
बताया जा रहा है कि पलामू प्रमंडल के चतरा, लातेहार, गढ़वा और पलामू में भारी बारिश होगी। वहीं अन्य जिलों में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होगी। रोपनी कर रहे किसानों के लिए यह खुशखबरी जैसा है। गौरतलब है कि झारखंड में देरी से दस्तक देकर पूरे जून महीने में धीमा रहने वाला मानसून में जुलाई के अंतिम सप्ताह से सक्रिय आई है, जिसकी वजह से पिछले एक सप्ताह से झारखंड में बारिश हो रही है। धनबाद में 13 अगस्त को निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पूर्व 13 अगस्त को धनबाद शहर में 25 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में देश प्रेम के साथ साथ देश की खुशहाली की मंगल कामना भी की जाएगी। इसका आयोजन राजेंद्र पार्क न्यू टाउन हॉल परिसर में राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी एंड ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। सोसाइटी के राजन सिन्हा ने बताया कि 13 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा से संबंधित विषयों पर सभी सदस्यों से चर्चा की गई। यात्रा में 300 से अधिक सोसाइटी के सदस्य और शहर के लोग भी शामिल होंगे। बता दें, पूरी यात्रा के दौरान देशभक्ति गीत भी बजेगा। हेमंत सोरेन से मिला सरना समिति का प्रतिनिधि मंडल। विश्व आदिवासी दिवस से पहले केंद्रीय सरना समिति का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। सरना समिति के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर आयोजित होने जा रहे झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार भी जताया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा है कि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 को एक अलग पहचान मिलेगी। इस बार इस महोत्सव का देश भर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि देश दुनिया से इस महोत्सव में शामिल होने के लिए लोग आ भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी परंपराएं, कला संस्कृति, रहन सहन, आदिवासी उत्पाद और गीत संगीत नृत्य को संरक्षित और आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जेड प्लस वाले VVIP के लिए झारखंड सरकार खरीदेगी बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर व सफारी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय नेता सहित अन्य VVIP की सुरक्षा के लिए 10 बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर व 10 सफारी गाड़ी खरीदी जाएगी। इसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा है। इससे पहले 2010 में बुलेट प्रूफ सफारी गाड़ी की खरीद की गई थी, जो नए बुलेट प्रूफ वाहनों की खरीद के बाद VVIP की सुरक्षा से हटा लिए जाएंगे। गृह विभाग की मंजूरी के बाद वाहनों की खरीद की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय शुरू करेगा। राज्य के 24 जिलों के 514 थानों के लिए 1255 नए चार पहिया वाहनों की खरीदारी होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत थानों के लिए बेलोरो वाहन का प्रस्ताव दिया गया। वहीं गृह विभाग की मंजूरी के बाद इसकी भी खरीदारी होगी। पुलिस विभाग के 242 जर्जर वाहनों को पिछले दिनों कंडम घोषित किया गया था। इसमें करीब 175 चार पहिया और 67 दो पहिया वाहन शामिल हैं। झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन का नहीं दिख रहा असर। शिक्षा विभाग के प्रयास के बावजूद राज्य के विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के बजाय कम ही होती जा रही है। हालात यह है कि राज्य के विद्यालयों में प्रतिदिन 15 लाख से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जिलों को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछली एक तिमाही में स्कूलों नहीं आने वाले बच्चों की संख्या में 1,90,027 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रतिदिन 15,24,565 बच्चे विद्यालय नहीं आते। वहीं वर्ष 2022-23 में कुल नामांकित 43,98,283 बच्चों में से 29,95,093 बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते थे। पिछले वर्ष तक विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों की संख्या 14,03,190 थी। झारखंड तेजस्विनी कर्मचारी संघ का राजभवन के समक्ष धरना, सीएम हाउस बुलाया गया। 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के सामने धरना दे रहे तेजस्विनी परियोजना के कर्मचारियों को सीएम हाउस बुलाया गया है। झारखंड तेजस्विनी कर्मचारी संघ आज रांची के वेंडर मार्केट से रैली निकाली, जो कचहरी होते हुए राजभवन पहुंची। इसके बाद कर्मचारियों ने वहां प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हमारी मांग जल्द सुनो, हेमंत सोरेन होश में आओ, और सरकार हमारी नहीं सुनी तो आंदोलन जारी रहेगा, जैसे नारे लगाए हैं। यहां महिलाओं की भीड़ को रोकने के लिए 5 बैरिकेटिंग लगाई गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरकार से विस्तारीकरण पत्र देने की मांग कर रहे थे। महिलाओं ने कहा है कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील शाह ने कहा है कि हम एक घंटा से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन करने से 15 दिन पहले सरकार को चिट्ठी भी लिखा गया है। रांची डीसी, एसएसपी और सीओ के साथ गृह सचिव की आज 3 बजे से बैठक। रांची डीसी, एसएसपी, सीओ और थानेदार के साथ आज सोमवार को गृह सचिव
अविनाश कुमार बैठक करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में रांची में जमीन विवाद को लेकर हत्या समेत अन्य वारदातों की समीक्षा भी की जाएगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पुलिस मुख्यालय ने भूमाफियाओं और जमीन दलालों की सूची तैयार की है। इसमें 49 भूमाफिया पुलिस की टॉप लिस्ट में हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में 2 से 7 तक मामले दर्ज हैं। ये भूमाफिया और जमीन दलाल जमीन कब्जाने, हत्या और घर बनाने वाले से रंगदारी भी वसूल रहे हैं। धन्यवाद।